नमस्कार, प्रस्तुत है राग बागेश्वरी का परिचय। राग बागेश्वरी थाट काफी जाति आउट ऑफ शैडो। जाति का मतलब होता है उस राग में लगने वाली स्वरों की संख्या से, औडव मतलब 5, शैडो मतलब 6, अर्थात इस राग के आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर लगते हैं। वादी मध्यम संवादी सा। वादी जो होता है उस राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है, संवादी उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्वर होता है, और इसके अलावा जो भी स्वर उस राग में लगते हैं वो अनुवादी स्वर कहे जाते हैं। वादी को राज की राजा का, संवादी को राज का मंत्री या सेनापति का, और अनुवादी स्वरों को सैनिकों की उपमा दी जाती है। स्वर, इसमें लगने वाले स्वर गानी कोमल शेष शुद्ध, वर्जित स्वर आरोह में रे और पा। समय यानी इसका गायन वादन समय जो होता है रात्रि का द्वितीय प्रहर यानी मध्य रात्रि। सम प्रकृति राग, इससे मिलती जुलती राग भीम पलासी। आरोह सामा गामा धानी सा, अवरोह सानी धा मागा मागा रेसा। पकड़ सानी धासा माधा निधा मागा रेसा। आरोह अवरोह और पकड़ के स्वरों में आप कुछ चिन्ह देख रहे हैं, तो इन चिन्ह का भातखंड स्वर लिप पद्धति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये जो आप सा के ऊपर बिंदु देख रहे हैं, तो ये सा के ऊपर बिंदु का मतलब ये होता है कि तार सप्तक का सा है। इस प्रकार यदि किसी स्वर के ऊपर चिन्ह लगा दिया जाता है बिंदु का, तो वो तार सप्तक का स्वर होता है, और यदि जैसे नी और धा में नीचे लगा दिया गया है बिंदु, तो ये मंद्र सप्तक का स्वर कहा जाता है, और मध्य सप्तक के स्वरों में कोई निशान नहीं होता है। इसके अलावा गा और नी के नीचे जो ये पड़ी रेखा देख रहे हैं आप, बार देख रहे हैं, ये कोमल स्वर की पहचान कराता है। यानी गा और नी और इस प्रकार जितने भी स्वरों के नीचे बिंदी लाइन खींची जाती है वो कोमल स्वर की पहचान कराता है। पकड़ से मतलब होता है संक्षिप्त ऐसा स्वरों का समूह जो राग की पहचान कराए, यानी छोटा से छोटा ऐसा स्वर समूह जो राग की स्पष्ट पहचान कराए, जिससे राग को पहचाना जा सके, उसे हम पकड़ कहते हैं। इसी को हम राग लक्षण भी कहते हैं। राग बागेश्वरी की उत्पत्ति काफी थाट से मानी जाती है। इसमें गांधार व निषाद स्वर कोमल तथा शेष सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। मध्यम धैवत तथा निषाद स्वरों की संगत से इस राग की शोभा बढ़ती है। वादी स्वर मध्यम तथा संवादी स्वर सड़ज है। इसका गायन वादन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर यानी मध्य रात्रि माना जाता है। यह एक अत्यंत मधुर और लोकप्रिय राग है। इसमें वर्जित स्वर व इसकी जाति के संबंध में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। इसके आरोह में ऋषभ स्वर वर्जित है, परंतु पंचम स्वर के प्रयोग के विषय में मतभेद है। कुछ कलाकार इस राग में पंचम स्वर को वर्ज यानी वर्जित मानते हैं, तथा कुछ लोग आरोह में वर्जित और अवरोह में प्रयोग करते हैं। कुछ लोग आरोह अवरोह दोनों में प्रयोग करते हैं। इस आधार पर इस राग की जाति औडव शैडव, शैडव शैडव तथा शैडव संपूर्ण के रूप में विवादित है। इसके बावजूद ये जो यहाँ पर औडव और शैडव इसकी जाति का जो बताया गया है, ये ज्यादातर विद्वान मानते हैं, यानी हम ज्यादातर विद्वानों के अनुसार इसकी जाति औडव शैडव मानते हैं, यद्यपि इसकी जाति के संबंध में बहुत से विवाद हैं। इसमें ख्याल ध्रुपद व गत गाए बजाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस राग का स्वर विस्तार दिया गया है। ये स्वर विस्तार जो होता है लिखने के लिए भी काम आता है, गायन और वादन में भी काम आता है, और परीक्षा में, प्रायोगिक परीक्षा और थ्योरी की परीक्षाओं में लिखने और स्वर विस्तार करने के लिए पूछा जाता है। तो आप ये स्वर विस्तार आप देख लें, याद कर लें, समझ लें। ये आरोह और अवरोह के साथ इस राग का स्वर विस्तार विधिवत तरीके से दिया गया है। ये आपके राग के विस्तार करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, इसलिए आप स्वर विस्तार का भी अध्ययन भली भांति जरूर करें। ये जो आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी, ये गायन सिद्धांत और स्वर वादन सिद्धांत पुस्तक में दिया गया है। इन पुस्तकों का अध्ययन आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की सहायता से कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस पर लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।